पंचायत को मेरी तरफ से राम राम। और भाई मैं सबसे पहले तो शैलजा जी का और पवन परिवार जी का ही थैंक यू बोलूंगा, वो इसलिए कि भैया हमारे पुरखे भी इसी जमीन से गए हैं जो बाद में भिवानी जाके फंस गए। तो आप सबका पवन परिवार जी और शैलजा जी जिन्होंने मेरी ड्यूटी लाई कि मैं अपनी जो जमीन है जहाँ से मैं तलुका रखता जहाँ मेरे बाप दादा यहाँ से गए जाके भिवानी में कवास में जगह बनाई। तो आप सबका भाई कहते तुम्हारा अपना घर जैसा माहौल न करा मेरे यहाँ पे आके। और भैया यहाँ मेरा आने का सिर्फ एक मकसद है कि हम भैया करंट रोड का है करंट की लेन आए कि भैया पौंड पे निवार एक नेक साफ और कहते हैं कि ईमानदार बंदा है। क्यों इसका भी एक कारण है कि ये अगर चाहता तो भैया बीजेपी में रह के अपनी चेयरमैन भी चमका लेता सारे काम कर लेता सारी की वाह वाह हो ही रहती कि नहीं हो रहती। ये बीजेपी का है वो तो सारी सत्ता में भाई सेंटर में भी है स्टेट में भी है लेकिन वहां लेके अपने सारे काम भी करवा लेता अपने निजी काम। देखो तो लोगों के काम तो आजकल हो ही नहीं रहे उन सबको मालूम है लेकिन अपने निजी काम करवा लेता। लेकिन उन्होंने सिर्फ एक पक्ष चुना कि भैया मुझे ये सत्ता नहीं चाहिए मैं सिर्फ जनता का सेवक हूँ उनकी सेवा करना चाहता हूँ इसलिए मैं कहते हैं बीजेपी से इस्तीफा देंगे। इन्होंने कांग्रेस पार्टी के साथ आए वो चुनाव लड़ रहे हैं। अभी जनता की बारी है कि वो क्या निर्णय लेगी वो क्या सोचेगी कि भैया वो किसके साथ है। जो मेरे को बताया गया है कि जो इलाहाबाद के जो लोग हैं वो हमेशा कहते हैं कमजोर के साथ खड़े होते हैं। भाई जो ठंडा होता हूँ तो अपने आप ही जीत जाएगा मजा तो उसके साथ है ना जो कमजोर है उसको कहते तगड़ा बनाओ। जो इलाहाबाद के लोग हैं उनमें खूबी है कि भैया जो कमजोर है हाँ मानते हैं भैया मैं मानता हूँ कि कांग्रेस कमजोर है अभी कांग्रेस कमजोर है उसको लोगों का साथ चाहिए वो इसलिए साथ है कि भैया ना हमारी सेंटर में सरकार है ना हमारी स्टेट में सरकार है। अगर दोनों जगह होती तो भैया हम बता देते लेकिन सिर्फ टाइम टाइम की बात है माहौल बदल रहा है माहौल बदल चुका है। और जो इलाहाबाद का चुनाव है कहते हैं कि 24 ही कहते हैं कि नींव रखी जा रही है कि जो बदलाव का टाइम आ रहा है कि भैया लोग बहुत तंग आ गए हैं। अभी एक लड़का 15 साल उम्र है उसकी 10 साल रह गए बीजेपी यहाँ हरियाणा में। हरियाणा पूरे देश में बेरोजगारी में नंबर वन है आपको मालूम है नौकरी नहीं मिली लोगों को यहाँ पे। लोग मुझे आगे कहते हैं कि जो बेचारे किसी भी जात किसी भी धर्म के भाई साहब नौकरी लगवा दो ड्राइवर लगवा 10-15 हजार का तो भैया मैं क्या भैया ना तो मिलती थी सप्ताह में ना कि और मैं कहाँ से लगवा दू। लेकिन जहां तक हेल्प होती है हम लोगों की हेल्प करते हैं। तो भैया मैं आपसे सिर्फ एक दरख्वास्त करने आया हूँ कि भैया हमारे जो स्पेशली मेरे को बताया कि गई वालों का काम है तो भाई कहते अपना तो अपना ही होता है मारता भी है तो कहते भाई रोड में ही छोड़ता कहते अंदर तो छोड़ दे। तो भाई अपना होके बस कौन पे ही बात है वोट करियो। और भैया तुम तो कहते अपने हो तुम तो भैया हमें वोट करोगे लेकिन जो दूसरे गांव के लोग हैं उनको भी समझाओ कि भैया कौन पे बात सही बनता है। कहते बार गए तो तुमने हर एक देख लिया पिछली बार भी तुमने किसी और को जिताया था तो भैया जो बाहर में तुम्हारे साथ कितने खड़े रहे लेकिन पौंड मेरी वाला आपके साथ सुख और दुख में हमेशा खड़ा रहेगा खड़ा था और आगे भी रहेगा। तो भैया हम इनकी गारंटी देते हैं। और भैया मैं थैंक यू बोलता हूँ मुझे कि इलेक्शन में इन्होंने मुझे बुलाया और कहते हैं अपनी जो पुरखों की जमीन है जो अपने बाप दादे यहाँ से गए थे तो उनसे मैं कहते रूबरू हुआ। आप सबका भाई बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एक दो प्रोग्राम और है वहां भी जाना है तो भैया इस बार कौन भैया जी को भारी वोटों से जरूर जिताए। जय हिंद।